नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आपने पिछला वर्ष शो सुना दुष्छत्रों से कैसे निपटे और आपने डिटेल में सुना किस तरह दूत भेजे जा रहे हैं, दूत क्या बात कर रहे हैं। और अब इस शो में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि जो हमारे जो अपने पाजी बोलूंगा तो लोगों को लगेगा पंजाबी वर्ड है तो बोलूंगा नहीं, लेकिन हिंदी का दूसरा वर्ड पाजी भी, उसका भी अलग वही मीनिंग आता है पाजी। तो जो आज जब हम लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं वो गलत गलत चीज सिखाई जाती है। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमको शांति रखनी चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए। और हिंदू व्यक्ति बात करता है बुद्ध की, कोई समझ में नहीं आता है। और जबकि बुद्ध कोट करते हैं हमारे शास्त्रों को, उसको उसका गलत रूपांतरण करते हैं, वहां पे भी अब्राहमिक मानसिकता घुस चुकी है। बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आज के बुद्ध फॉलो करते हैं। मैं थाईलैंड के बुद्धिस्ट की बात करता हूँ, चाइनीज बुद्धिस्ट की बात करता हूँ, वो ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं गया है ना। हमारे शास्त्रों में अधर्म के विरुद्ध प्रहार करना, उसको हटाना, चाहे बलपूर्वक हटाए चाहे बुद्धि से हटाए, उसी को धर्म माना गया है। तो उसी विषय पर और बात करेंगे। और हर चीज को आप गुड और इविल में भी ना देखें, हमको देखना है धर्म अधर्म सुर असुर, उसी में देखना है हमको कि जो सुर है, जो भगवान के साथ है वो सुर है, जो भगवान के विरुद्ध है वो असुर है। बड़ा सरल डेफिनेशन है। तो विदाउट डिले लेट अस डिस्क लेट अस इनवाइट प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये जो भगवान बुद्ध को सब बताते हैं तो ये मूर्ख चर्च वाले, गधे उल्लू चर्च वाले कुछ रॉक एडिक्ट पढ़े और कहा जी एक अशोक है जो बौद्ध हो गए। ठीक। अरे एक भी एडिक्ट पर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ऐसे निराधार बात कह के तुम अशोक को बौद्ध बता रहे हो। चलो बौद्ध बता दिया तो एक जगह भी भगवान बुद्ध ने कहा है, जो साक्षात विष्णु अवतार हैं उन्होंने कहा है क्या युद्ध छोड़ दो? एक भी बौद्ध सेना ने सेना का विसर्जन किया क्या? अब वो तो पंकज जी बताते हैं कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो एलीट का एलीट क्लास के लिए है, ये गधा घोड़ा भालू बकरी भेड़ के लिए नहीं है, वो सब लगे हुए। नहीं, एक और चीज बोलते हैं, बुद्ध एनलाइटनमेंट। अरे बुद्ध तो विष्णु है, वो तो स्वयं ही हमेशा एनलाइटनमेंट है। अभी लल्लू पंचू लोगों का काम है तो मैं इनको बोलता हूँ ये लोग सब बुद्धू एनलाइटनमेंट पे हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं बुद्धू एनलाइटनमेंट है। चलिए आज शुरू करें। जो पाजी कहा ना वो बहुत सुंदर शब्द है पाजी। ये पाजी तीनों इन लोग को मैं छोटा छोटा नन्ना नन्ना दुष्ट बोलती हूँ, तो पाजी तो और भी सुंदर है। तो ये पाजी कहते हैं हिंदुओं को जो जो करने के लिए, वो सब महाभारत में है। जो धृतराष्ट्र कहलवाते हैं संजय के मुख से महाराज युधिष्ठिर को, सब वही का वही है। कहा है ना जो महाभारत में नहीं वो नहीं, जो महाभारत में है, जो समस्त संसार में है वो सब महाभारत में है। तो इन पाजी दुष्टों से कैसे निपटे, इन दुष्ट शत्रुओं से कैसे निपटे, इन दुष्ट शत्रुओं का जो इंद्रजालिक नरेटिव है, इंद्रजाल माया माया माया, आजकल एक शब्द चलता है नरेटिव, इससे कैसे निपटे, कितने आसान से एक तीर से महाराज युधिष्ठिर सब इंद्रजाल। अरे मकड़ी का जाला है काहे का इंद्रजाल है छेछा। तो इस सबों में धृतराष्ट्र वाली बुद्धि थोड़ी है। तो अब आ जाए हम लोग, तो पुरोहित महोदय गए वहां महाराज धृतराष्ट्र की सभा में, सब उपदेश दिए, कर्ण बीच में कूद के आ गए, भीष्म पितामह ने समर्थन किया, वो कथा वथा हुआ, वो चले आए अपना काम कर गए, उठफाट डाल दिया, लोगों का लगा कौरवों का पक्ष गलत है पांडवों का पक्ष सही है, सब आधे मन के वही हो गए। तो उसके बाद धृतराष्ट्र जी तो होशियार सम्राट है, बहुत ज्ञानी है, उनको लगा ये काम तो बिगड़ गए,
युद्ध हुआ तो ये सब मारे जाते, तो संजय को भेजते हैं कोई जुगाड़ से कोई उपाय से धर्मराज युधिष्ठिर को किसी प्रकार से समझा बुझा के युद्ध से विरत करो। अब ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि लड़ो मत, वैसे तो संजय ये भी कह दिए हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम लोग जीत जाएंगे, धृतराष्ट्र पगलेट नहीं है, उनको पता है जीतने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो धृतराष्ट्र संजय से जो कहते हैं वो सुनिए। अब ये आ गया पृष्ठ संख्या 72-73, अध्याय है 22वां, द्वाविंशो अध्याय, धृतराष्ट्र का संजय से पांडवों के प्रभाव और प्रतिभा का वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पांडवों के पास। जो श्रेष्ठ है उसको पता है विपक्ष मजबूत है, उसको पता है कि हमारा पक्ष कमजोर है, पिलपिला है। तो क्या कह रहे हैं वो संजय को कि जाओ ये कहना। फिर वो कह रहे हैं, हे संजय, श्लोक संख्या 7 में, मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है क्योंकि उसकी बुद्धि राग से दूषित है। वह मूर्ख अत्यंत तेजस्वी महात्मा पांडवों के स्वत्व को दबा लेने की चेष्टा कर रहा है, केवल दुर्योधन और कर्ण ही। महाराज धृतराष्ट्र कर्ण को दुर्योधन के समकक्ष रखते हैं, केवल दुर्योधन और कर्ण ही सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए महात्मा पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं। मियां लोग के पास, ये चर्च के पास, ये कम्युनिस्टों के पास महाराज धृतराष्ट्र नहीं है, उनकी छाया इनको नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम काल के अधीन हो। ये तो 14वीं शताब्दी है, जाना है जय जय सीताराम है, स्वयं अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को बता दिया था, लेकिन इनको समझाने वाला कोई नहीं है। क्या पता कोई हो, वो जो MBS क्या बताते हैं ना, और एक आजकल एक्स मुस्लिम सच वाला है, और मुझे शैलेंद्र भैया ने कहा कि ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं भारत में, दसों हैं जिनके 50,000 के सब्सक्रिप्शन है, विदेश में बहुत हैं। तो क्या पता कोई हो जो इनको बता रहा हो, नहीं बता रहा। फिर वो कह रहे हैं, ये जो दुर्योधन है ये उत्थान वीर्य है, ये बहुत सुंदर शब्द है हमारे दुष्ट शत्रुओं के लिए, उत्थान वीर्य है। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है, अंत तक उसे निभा नहीं सकता क्योंकि वह सुख में ही पलकर बढ़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता नहीं है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मान लेता। इस वक्त संसार के सभी श्रेष्ठ जनों के जो दुष्ट ये 3 शत्रु हैं, चीनियों के, मंगोलियों के, मांचुओं के, तिब्बतियों के, जिंजांग वालों के, हेन्नान वालों को, दुनिया भर, ये आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाले हैं। नैन्सी पेलोसी का विमान गिरा देंगे, यहूदियों को लाल सागर में डाल देंगे, काट देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, कुछ चर्च वाले चांद पर चले जाएंगे, मंगल में चले जाएंगे, ये सब उत्थान वीर्य है। तो कैसा सुंदर शब्द है, टिकने वाले नहीं, वो शुरू में ही थोड़ा टिकते नहीं। फिर वो कह रहे हैं, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं,
उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही राज्य भाग दे देने में भलाई है। अरे मूर्खो, जिस नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारत के पराक्रमी सेना को लीड करते हैं, जो स्वयं कूटनीति करते हैं, जिनके पास डोभाल और एस जयशंकर जैसे पता नहीं कितने हैं, जिनके पीछे ट्रंप भी है, बिडेन भी है, जो पुतिन से बतिया के लड़ाई रोक देते हैं, पुतिन के शत्रु जेलेंस्की से भी बतिया लेते हैं, एमवीएस से भी बतिया लेते हैं, पाकिस्तान वाले के घर जाके बिरयानी भी खा लेते हैं। अरे मूर्खों, उससे तुम लड़ोगे तुम, क्योंकि तुम काल के गाल में जाना है। तुम्हार तुमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनके तेज में विलय हो जाना है, तो तुम लड़ोगे तो जरूर, क्योंकि तुमको कहीं जाना है। तो सिर्फ ये महाराज धृतराष्ट्र के वचन है। अब मैं आ गई 73 से पेज संख्या 74 पे। वो कहते हैं कि बता रहे हैं, इसमें बहुत वर्णन है, एक एक का तेज बता रहे हैं। अर्जुन ऐसा है, भीम ऐसा है, नकुल ऐसा है, सहदेव ऐसा है, संजय को बता रहे हैं, हे दूत वो सब दुर्घस पराक्रमी हैं, इसलिए युद्ध से विरत करो। उल्मिया टिया चर्च वोक हिंदुओं को, सनातनियों को युद्ध से विरत करना चाह रहे हैं। देखो जी, तुम तो गांधी के देश वाले हो, है? हम लोग गांधी जैसे लंपट के देश वाले हैं। उन लंपट को उस समय दंड नहीं मिला, अब देखो भारतीय मनीषा कैसे जूते लगाती है, धिक्कारती है उस लंपट को। ये कहते हैं तुम अहिंसा वाले हो। अरे तुमको पता नहीं है अहिंसा को स्थापित करने के लिए हिंसा का कट 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 करना पड़ता है। तुम कह रहे हो महात्मा बुद्ध वाले हो। हाँ जी, हम महात्मा बुद्ध वाले, महात्मा नहीं, भगवान बुद्ध वाले हैं। विष्णु अंश में एलीट के एलीट क्लास को पंकज जी कहते हैं। 1% भी नहीं, 0.001% के काम लायक जिन्होंने ज्ञान दिया हम लोग उनके हैं। तो राम जी का नाम लेने में कभी छूटती है, परशुराम जी का नाम लेने में, हमारे महाराणा सांगा का, हमारे महाराणा बप्पा रावल का, हमारे राजा धीराज चोल का, हमारे वो अंचित उनका, आसाम वालों का, मणिपुर वालों का नाम लेने से डर लगता है, हमारे ललितादित्य का, हम उनके भी वंशज है यार। हम लोग को मारने काटने में बड़ा मजा आता है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं ये सब तो ऐसे दुर्घस वीर हैं। फिर वो कह रहे हैं यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है महाराज धृतराष्ट्र, तथापि यह मेरा विश्वास है कि वह पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है, ईरान लगा हुआ है, न्यूक्लियर होंगे, न्यूक्लियर होंगे। भारतीय सेना जहां जाती है सबका जय जय सीताराम करके चली जाती है। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र कहते हैं नहीं के बराबर है। अब वो कहते हैं इसके वो उनसे ये पूछना, ये कहना, ये करना, राजाओं के बीच ऐसा कोई वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ाए और युद्ध का कारण, किसी तरह युद्ध को टालो। जितना नरेटिव चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों, भारतीयों, वास्तव में सुख शांति से रहने वाले अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, नॉर्थ अमेरिकी लोगों के खिलाफ किसी तरह युद्ध डालो, युद्ध में मृत्यु तय है। तब संजय जाते हैं, सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर निर्वासित हैं, वो जो प्रश्न पूछते हैं, मैं 2-3 बताने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ, वो पूछते हैं कई छोड़ के कि वहां पर
महाराज धृतराष्ट्र तो कुशल से हैं, प्रतीत के विद्वान पुत्र महाराज बालीक तो कुशल से हैं। वो पूछते हैं, उनका एक पुत्र है जुजुत्सु, उसका पूछते हैं, वो कुशल से तो है। और पूछते हैं भरत वंशियों की माताएं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, रसोई बनाने वाली सेविकाएं, दासियां, बहुएं, पुत्र, भानजे, बहिनी, बहिने और पुत्रियों के पुत्र, ये सभी सुख से तो हैं। संजय जाकर बताएंगे, सबका हाल चाल पूछा, सबका मन दुर्योधन कर्ण से कटा हुआ है और कट जाएगा, और इनके कट जाने से क्या होगा। महारानी गांधारी से दुर्योधन सर पटक के रह गया, विजय का आशीर्वाद नहीं ले पाए। ये होता है डिप्लोमेसी, ये होता है धर्माधारित डिप्लोमेसी। और बहुत सा है, वो सब छोड़ रहे हैं, किसी और दिन सुनाएंगे। आज फिर संजय उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और राजा धृतराष्ट्र का संदेश सुनाते हैं। तो जो संदेश सुनाते हैं वो क्या है, सब कुछ युद्ध ना करो। तो क्या क्या तर्क देते हैं, पहले तर्क देते हैं कुछ, उसके बाद महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई इंद्रप्रस्थ लौटाओगे तभी शांति होगा। ये 26वां अध्याय है, इसमें देखिए युधिष्ठिर का जो उत्तर है वही उत्तर हमारा है। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम वर्ताव में लगे हैं, परंतु दूसरे में समता पूर्ण वर्ताव देखना चाहे। तुम तो मार काट छल कपट में लगे हुए हो और हम हिंदुओं से प्रेम भाईचारा समता चाहते हो, कैसे होगा। क्या कह रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को कि आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वक्फ बोर्ड, बंगाल में कम्युनिस्ट शासन, चर्च का इतना भारी कब्जा, आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले, उद्दंड, भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छी मंत्री के सलाह के अनुसार न चलने वाले अपने अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष करके अब किस लिए विलाप कर रहे हैं कि मारे जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर, सब बोध है उनका, जो ये पिलपिला वर्णन तुमने कर दिया है। हम हिंदू लोग तो महाभारत बहुत पढ़ते हैं, मेरी माँ ने सब पढ़ा था, मेरी नानी ने सब पढ़ा था, मैंने भी सब पढ़ा, और अब सत्तोलॉजी में पढ़ के बांच बांच के सुना भी रही हूँ। लाखों महाभारत गीता प्रेस ने छाप दिया और बेच दिया, और पता नहीं किसने किसने छापा और बेचा। जैसे भागवत कथा, रामायण कथा चलती है, मैं तो कहूंगी महाभारत कथा भी शुरू कर दी जाए, नहीं तो अपने लोग सत्तोलॉजी पर शुरू करें। हे संजय, श्लोक संख्या 15, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहते हैं, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले, महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं, कटु वचन बोलने वाले, गला काट दोगे, क्रोध और दीनता के वशवर्ती है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, कामात्मा, भोगासक्त, इसका व्याख्या नहीं कर रही, पापियों से प्रशंसित, शिक्षा देने के अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक क्रोधी, मित्रद्रोही और पाप बुद्धि, पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र समझते हुए धर्म और काम का परित्याग किया। अब काहे रो रहे हो संजय, जिस समय मैं जुआ खेल रहा था उसी समय की बात है, विदुर ने शुक्र नीति के अनुसार, अब शुक्र नीति का है खास खास लोग को नहीं पता है, शुक्र नीति के अनुसार युक्त युक्त वचन कह रहे थे तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई। तभी मेरे मन में यह विचार हुआ था
कि संभवतः कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है। इन तीनों दुष्ट शत्रु ठगों का विनाश काल आ गया है। दुशासन शकुनि और कर्ण यही उसके मंत्री हैं, जिनके मंत्री ओवैसी हैं, महबूबा मुक्ति हैं, नरसिम्हा राव हैं, मनमोहन सिंह हैं, जिनका युवराज राहुल है, वो चर्च का, इटली का, इटली तो ठीक देश है, चर्च का और मुनाफिक मुशरिक का और कम्युनिस्ट का अंतकाल आ गया है। धृतराष्ट्र, हम शत्रुओं से ऐश्वर्य छीनकर दूरदर्शी विदुर को देश में निर्वासित करके अपने पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाएं। गजवा हिंद, और क्या गजिया बजिया, क्या क्या नारा है इनका, वो देने की तुम कल्पना करके बैठे हो। लल्लू, ऐसे लोग ही नरेश के साथ केवल संधि ही बनी रहेगी, युद्ध आदि का अवसर नहीं आएगा, यह तो संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम लोगों के बन चले जाने पर वे हमारे धन को अपना मानने लगते। नरसिम्हा राव के बाद, मनमोहन सिंह के कथन के बाद वो हमारी चीज को अपना मानने लग गए। वो चर्च वाला स्वयं पित्रोदा, अरे तुम लोग अपना अपना आधा धन सरकार को पहलवे दे दो बांटने के लिए, काहे सरकार का कानून बनाने के लिए बैठे हो यार। जयपुर से आमेर से जितना सोना लूट के ले गए, जितना तुम्हारा स्विस बैंक में रखा है, जितना कांग्रेस पार्टी के पास रखा है, 55% कानून बनाने के पहलवे सरकार को दे दो जी, दान पत्र लिख दो, गरीबों में बांट दिया जाए, मोदी जी से बंटवा लेंगे हम लोग, खुद ही बांट देंगे। जिस जिस कांग्रेसी को देना दे दो भाई, जिस जिस कम्युनिस्ट को देना दे दो भाई, हमारा काहे ले रहे, तुम्हारी मेजोरिटी है, मेजोरिटी का बांट दो पहले। तो देखो जी, हम लोग युधिष्ठिर कह रहे हैं, लल्लू नहीं है भाई, भाषा तो उनकी अत्यंत श्रेष्ठ है, हम बता रहे हैं अपने दुष्ट बुद्धू शत्रुओं को, वो सबको लल्लुए समझ में आएगा। पहले भी बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, उनमें कर्ण इन अश्लोक कौरवों का आश्रय दाता था तो का कर लिया, हर बार तो हारा। उन्होंने वीरता से नहीं, छल पूर्वक जुए के द्वारा ही हमारा राष्ट्र लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश तुम लोगों ने लड़के लिया था, अफगानिस्तान लड़के लिया था, चार ठो हमारे यहाँ के चार पाजियों को इकट्ठा करके छल पूर्वक लिए, लिए तो लिए, अब वीरता पूर्वक ले लेंगे। हम लोग चूड़ी उड़ी पहने हैं, माता जी का तस्वीर लगा है, कैसा कैसा असुर वर्धन किए हैं, और जो जब वो उसका काली रूप धारण करती है तो रक्त बीज को जिह्वा पर उठा लेती है, हम लोग इन्हीं की बेटियां हैं ना। तो धृतराष्ट्र के पुत्र तभी तक जीवित हैं जब तक कि वे युद्ध में गांडीव धनुष का टंकार घोष नहीं सुन रहे। तुम तभी तक जीवित हो जब तक महाभारत का पाठ तुमको लाउडस्पीकर पर नहीं सुन रहा है, जब तक कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, ये तुम लोगों को कोई बताने वाला नहीं हुआ है, ये तुम तभी तक जीवित हो। शी जिनपिंग 1.5 से 2 साल कम्युनिस्ट, और चर्च का तो यूरोप से सफाया ही हो गया, अभी चर्च का जो पावर है वो कम्युनिस्ट जिस तरह लड़ रहे हैं इनसे, तो ये जब तक जोर जोर से कहा नहीं जा रहा है तभी तक जीवित हो। हमारी सेना को तलवार भांजने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन तीनों के पास सेना ही नहीं। ध्यान दीजिए, हमारे तीनों शत्रुओं के पास सेना सशस्त्र बल नहीं है, केवल लफाजी है, छल है, कपट है, तो हम गधे हैं। सहनशील, जब तक भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहनशील वीर सहदेव जीवित है तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकता। जब तक
हम इन जगदम्बा की उपासना करते हैं, ऐश्वर्य तो हमारे साथ रहता है। यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ ये अच्छी तरह समझ लेंगे, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि पांडवों को राज्य ना देने में कुशल नहीं है, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र समरांगण में पांडवों की क्रोधाग्नि से दग्ध होकर नष्ट होने से बच जाएंगे। हम लोग शरिया क्रिमिनल लॉ लागू करने वाले, मुनाफिक और मुशरिक लोग को शरिया क्रिमिनल लॉ चाहिए। निकाह, मैरिज और विवाह क्या है, इतने भर बता दें अभी सत्तोलॉजी पर, वाकल दुरुस्त हो जाएगी। केवल इंद्रजाल या मकड़ी के जाले जैसे नरेटिव को बुद्धिमान नरेटिव से छिन्न भिन्न कर देंगे। हे संजय, इंद्रप्रस्थ में पूर्ववत मेरा राज्य ही राज्य रहे और भरत वंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे। आप फिर संजय महोदय लग गए, काहे दूत हैं, किसका कथा लेके आ रहे हैं, धृतराष्ट्र का संदेशा लेके आ रहे हैं। धृतराष्ट्र मोह से अंधा है, का संदेशा भेज रहा है, ये सुनने योग्य है। यही नरेटिव है जो हिंदुओं को 70 साल से सुनाया जा रहा है। हे राजन भीक, यदि कौरव युद्ध किए बिना आपको राज्य का भाग्य न दे तो भी अंधक और विष्णुवंशी क्षत्रियों के राज्य में भीख मांग कर जीवन कर लेना, निर्वाह कर लेना मैं अपने लिए श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। गैया को मारता है तो मार दे, उसका प्राण मत लेना। वो तुम्हारी मूर्तियों को तोड़ दे तो तोड़ दे, उसको कुछ कहना मत। फिर क्या कह रहे हैं, आप युद्ध रूपी पाप मत कीजिए, आपके सुजस के अनुरूप नहीं है, आप लोग तो सहिष्णु टाइप लोग हैं। हे नरेंद्र, जो धर्माचरण में विघ्न डालने का मूल कारण है वो कामनाएं मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, अतः बुद्धिमान मनुष्य उस कामना को नष्ट कर देता है, तब जगत में निर्मल प्रशंसा का भागी होता है। तुम काहे अपना इंद्रप्रस्थ ले रहे हो और ये ए हिंदुओं, तुम क्यों अखंड भारत मांग रहे हो, अखंड भारत की कामना का त्याग कर दो। हिंदू जितना है वही बहुत है, और वो भी बहुत क्यों है, बहुत ज्यादा है, थोड़े में संतोष कर लो भाई। फिर वो कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं थोड़ा सा। हे युधिष्ठिर, हे हिंदुओं, आपके कर्म इस रूप में विख्यात है। संग वाले बताते हैं, आप लोग अरण्य में रहते, आप लोगों के यहाँ सन्यासी पूजित है, सम्राट का तो नाम लेने में जीव लड़खड़ा जाता, राजा राज्य राजनीति इन सबों, तो ये सब क्या कहते हैं, हम लोग के ऋषि मुनियों के कारण हमको जाना जाता है, ये सब भी इंद्रजाल के शिकार है, अरण्य में रहने वाले हैं, वेद हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता है, श्रुति का मतलब सुना जाता है। अरे चले जाओ इंदिरा गांधी नेशनल आर्काइव में महाराज, जाके देखो कितना मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ है, एक तो नालंदा जला दिया, पता नहीं जला सब कहते हैं जला दिया तो जला दिया, सब ज्ञान का दीपक 13वीं शताब्दी में बंद हो गया, कुल किताब की एक एक प्रति थी और प्रति नालंदा में थी, बाकी सब जगह तो घोर अंधकार 13वीं शताब्दी, और न यूनिवर्सिटी थी, न पंडित था, न विद्या थी, न गुरुकुल था, कुछ को ना था, एक वो नालंदा था, वो अलाउद्दीन खिलजी दिलसी माचिस लगाया सब जय जय सीताराम। तो लोक में आपके कर्म इस तरह विख्यात हैं कि क्या कर्म है आपके, आपने दक्षिणा युक्त वृद्धि श्राद्ध आदि अवसरों पर ब्राह्मणों को प्रचुर धन और श्रद्धा सहित उत्तम गंधर्व गंधवंध दिया है। हे हिंदुओं, तुम लोग बड़े शांति प्रिय हो, तीर्थाटन वगैरह करते हो, अस्त्र शस्त्र ना करते हो। अरे हम जब तीर्थाटन में जाते हैं तो हमारे भगवान जी हर जगह आए, मूसल गूदल धनुष पास तलवार
पता नहीं क्या क्या लिए रहते हैं। हम लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो सुनते हैं कि हनुमान जी पूंछ लहरा रहे हैं और गर्भ राक्षसनियों का गर्भ गिर जाता है। हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी उल्लू बना रहे हैं, हे कुंती नंदन धृतराष्ट्र कहलवा रहे हैं। इस शरीर के रहते हुए कोई भी सत्कर्म किया जा सकता, मरने के बाद कैसे करो? अरे युद्ध में हम थोड़ा मरेंगे, तो सब मरेंगे। क्या समझा रहा है? देखो लड़ो नहीं, हथियार तो हम इकट्ठा करेंगे तीनों, तुम लोग तो भले आदमी। गांधी जी को लगाए थे सब इसका, और गांधी जी पूछते कितने कांग्रेसियों के घर से हथियार निकलवाए थे। गांधी जी 1947 में कहते हैं, 46 में वो एक तो अमेरिकन या पता नहीं कौन सा पत्रकार इंटरव्यू कहता है कि आप आजादी की बात कहते हैं, उनकी नजर उनके लेट कुछ कहता है तो कहते हैं लेट देयर बी अ ब्लड बाथ, खून क्या स्नान होने दो। फिर वो कांग्रेसियों से अपील करते हैं, गांधी बाबा लंगोटी उंगोटी पहन के दुबला पतला मर, मैं कांग्रेसियों से अपील करता हूँ वो एक के बदले में एक मारे, अंग्रेजों की तरह एक के बदले में गांव ना जाए। बैठो कांग्रेसी थे भाई, 1 करोड़ तो थे नहीं, बाकी लोग बिटवीन द लाइन। बड़े सीरियस कांग्रेसी ने कहा कि मैंने गांधी जी का कहा हुआ पालन करके ये हमारे गांधी बाबा तब और कहलवाते हैं धृतराष्ट्र, अश्वमेध करो, राजसूय करो, अन्य यज्ञ भी करो, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट फिर कभी ना जाए। तो राजसूय कैसे करेंगे भैया, अश्वमेध कैसे करेंगे? गोल 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 घुमाओ, युद्ध पाप कर्म ही करना है तो मैं यही कहूंगा आप फिर से बहुत वर्षों तक दुख में वनवास का ही कष्ट भोगते रहे। अरे जैसा पाप कर्म कर कौन कहलवा रहा है? धृतराष्ट्र छल से कपट से सब छीन लिया, कह रहा इससे तो अच्छा वनवास में चले जाओ भाई, मियाँ को गले नहीं लगा सकते हो, कम्युनिस्ट तुम्हारी बहन बोटी को मारे काटे तो भी गले लगा लो, और नहीं तो जंगल चल, 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 चल। वनवास ही आपके लिए धर्म रूप, मेरे बेटों के लिए वो ठीक रहे। नरेटिव, इस नरेटिव को दुर्योधन कैसे पंक्चर करते हैं? मार धार नहीं, गब्बारा है एक पिन लगाते हैं, युधिष्ठिर पंक्चर करते हैं, भगवान तो जो धुनाई करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि भाई जब युद्ध ही करना था तो उसी समय लड़ लिए होते जब जुआ में हारे हो रहे थे, ये सब लोग तो आपके पास थे ही ना, विराट भी थे, द्रुपद भी थे, बाकी बहुत थे, श्री कृष्ण भगवान थे ही। अब 12 वर्ष आप वहां हो आए, 1 साल अज्ञातवास कर लिए, वो सब बहुत बढ़ गए हैं, अब युद्ध करके का जो निपटना था 47 में निपटे होते संघ वाले, ये कांग्रेसी कुल कह रहे जो बांटे थे, आप का युद्ध करोगे? 33 करोड़ हो गए हैं, अब कैसे लड़ोगे? आज जब वह अनुकूल अवसर निकल गया आपको युद्ध करने की इच्छा हो रही है, अब मोदी जी आए हैं, 47 में आप थे नहीं, अब 2014 में आए हैं, अब आप लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं, कोई बात हुई क्या? 47 में होती तो होती, अब 2014 में करना अच्छी बात है क्या? क्योंकि दिख रहा है आप कर लेंगे तो हम कुछ तो करें ना, आपको समझाए, देखो भाई अच्छी बात। तो देखिए कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती, आप फुल नरेटिव वाले बदमाश क्या कह रहे हैं? देखो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा उन्होंने कहा था पड़ोसी नहीं पता, आडवाणी जी देखो एकदम अच्छे, मोदी जी देखो आप ठीक काम नहीं कर रहे, आप लुटियन स्लॉप को बाहर कर रहे हो, जब उन लोगों ने लुटियन सबका लोटा नहीं डुबोया तो आप कहे डुबो रहे हो भाई? देखिए वो कितना कांग्रेस के साथ हिल मिल के रहते थे, नेहरू जी ने तारीफ किया, हम आपकी तारीफ कैसे करें? आप हम लोग को 40 पर ले आए, इस बार पता नहीं 4 पर ले आएंगे कि 14 पर छोड़ेंगे, कुछ तो सोचिए आप। कहां हम लोग का 400 से ऊपर सीट होता था, अब आप सबको सुना रहे हैं कि हम 400 कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर पा रहे,
हे कुंती नंदन, हे संगियों, हे हिंदुओं, हे सनातनियों, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती, तो बताइए अब ऐसा कौन सा कारण आ गया है कि आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध युद्ध करना चाहते। अरे तुम लोग के यहाँ तीनों के यहाँ एक भी महाभारत है, एक भी रामायण है, एक भी रामचरितमानस है, एक भी सुंदर कांड है। चढ़ चढ़ वो बेचारा तो दंडित किया, पूछ में आग लगाया, बंदर है। अब बंदर महाराज को क्या जरूरत था शरीर बड़ा कर लेने का, फिर कभी छोटा करके कूदने लग गए, सब जगह कूद कूद के आग लगाने लग गए। हाय 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 मच गई, भावी जनरेशन गर्भ से नीचे गिर गई, गर्भपात हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप लोग ये सब पाठ उठ करते हैं, लेकिन देखो जी राम जी कैसे भले हैं, चुप चुप से रहते हैं। राम जी एक बार तलवार धनुष पर बाण लगा के खर दूसर की चटनी बना के साफ कर देते हैं, ये सब नहीं बताए। जब राम जी का एक वीर रूप विश्व हिंदू परिषद ने छापा, मेरी अपनी बात हुई, आशीष, आशीष कौन था ना वो, अरे भाई वो जो CSDS के बड़े, आशीष नंदी। आशीष नंदी कहे कि देखिए क्या कर रहे हैं संघ वाले, मुरली बजाने वाले मोहन, रास लीला करने वाले मोहन को सब लगे हैं युद्ध वाला बताने में। हमको बाद में पता चला चर्च वाला था आशीष, तो उसको हमारे मुरली वाले पसंद आ रहे, ये वाले कहां से पसंद आएंगे भाई, उनको तो देखने भर से तुम लोग साफ हो जाए, तुम लोग दुर्योधन और कर्ण थोड़े हो। अभी समय है ना, बहुत समय है, मैं एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहता था। जी। एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया मार्शल रेस, कौन सा मार्शल रेस है, है ना? तो उन्होंने साजिश से बताया कि सिख मार्शल रेस है, मतलब जिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया उसको मार्शल रेस बुला दिया। लेकिन अब पता लग रहा है मिलिट्री एक्सरसाइजेस से कि दुनिया में तो सिर्फ एक ही मार्शल रेस है भारतीय, कोई और है नहीं। अरे चाहे भाई 1857 में के बाद तो उन सबों ने कोई युद्ध लड़ा नहीं, 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत में एक युद्ध नहीं लड़ा, और 1857 में तो यूपी बिहार के पूर्वीय ब्राह्मण थे ना। हाँ बिल्कुल, तो क्या करे बेचारे, मारे डर के हड्डी कांप रही है पीछे वाली, क्या करे। तो हरदम ये सब आप पता नहीं खेत वो देखे हैं कि नहीं, खेत में एक डंडा एक हाड़ी रख दिया जाता है, एक कपड़ा पहना दिया जाता है। मेरे घर में है, मेरे घर में है, मेरे घर में है। तो ये सब हर जगह वही लेके चलते हैं, चिड़िया डराएंगे तो चिड़िया होगी तब ना डराओगे। कल एक मेरे को अमेरिकन ऐसी बात कर रहा था, मेरे घर पे आया था, हम लोग महाभारत ही डिस्कस कर रहे थे, तो वो यही बात बोला वो कि मैंने बोला देखो मैं अगर ऐसे हाथ हिलाया तुम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हो, हम तो मैंने गाल में चाटा लगा देंगे एक मिनट में, पता लगा तुमने तो मजाक में हिलाया था, मैं तो चाटा पड़ गया। बोलते भय तो उसको होता है जो दूसरों पे अत्याचार करता है, मॉरल करेज कम होता है। हम तो चीटी भी नहीं मारते हैं तो हमको भय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको कर्म का भय नहीं है। तो तुम अगर तुम हरकतें कुछ करोगे तो हमारी तरफ से एक्शन तुरंत होगा, वो तुम्हारे गाल पे होगा, तुमको डराने के लिए हम नहीं करेंगे। कभी संसार के सबसे बड़े योद्धा समाज, सबसे बड़े हमारे सभी सारे देवी देवता, खाली हथियार नहीं है, दिन भर उनकी लड़ाई का वर्णन है। देवता लोग देवता हो के भी चैन से नहीं रहते, जब नहीं तब देवासुर संग्राम चलता रहता, स्त्रियां लड़ती हैं, ब्राह्मण लड़ते हैं, क्षत्रिय लड़ते हैं, वैश्य लड़ते हैं, शूद्र लड़ते हैं, साहूकार लड़ता है, बच्चा लड़ता है, गला कट जाए तो धड़ लड़ता है। कलकत्ता एयरपोर्ट पे दुर्गा माँ की प्रतिभा आठ भावों के साथ सबसे शस्त्र हटा दिया उन्होंने कलकत्ता एयरपोर्ट पे, मतलब उनको उनकी विग्रह से भी डर लगता है,
कि शस्त्र हटा दिए भाई। भाई काली माँ से हम ना सुरक्षा अनुभव करते हैं, अब वो रक्त बीज कैसे अनुभव करेगा, उसको लगेगा चाट जाएगी। तो वहां तो सब रक्त बीज है ना, ममता वाले टीएमसी चाट जाएंगी वो हथियार। तुम्हारे मूर्ति से हथियार हटा लो, तुम लोग को हथियार की जरूरत नहीं है भाई, एक फ्लिट का छिड़काव काफी है। आने दीजिए वो समय, हम लोग देखेंगे तब। बस समय है पूरा कर दें। तो वो कह रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है कि आप युद्ध करना चाह रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं, हे कुंती नंदन आप बताइए, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य शल्य भूरिश्रवा विकर्ण विवंसती कर्ण तथा दुर्योधन इन सब का वध करके पाना चाहिए। धृतराष्ट्र को पता है युद्ध होगा तो सफा चक्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं लेखू, कौन जरूरत है 400 का, जीतने के लिए तो 250 बहुत है। अभी तो बेमतलब की बात है 400, फिर बेमतलब की बात है इतना मार्जिन से जीतेंगे। अभी 22 जनवरी को जब अपना भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उसके पहले जगह जगह विशाल शोभा यात्राएं निकली। तो बहुत से लोगों ने कहा, अब ये कोई बात हुई क्या, आप लोग शोभा यात्रा लेके निकलते हैं, कहीं राम जी खड़े हैं, कहीं हनुमान जी हवा में जा रहे हैं, कहीं दुर्गा जी हैं, कहीं शंकर भगवान हैं, नागवा, हम लोग डर जाते हैं भाई। भगवान जी का शोभा यात्रा मतलब का लिए भाई, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी संख्या में निकल के राम जी का बारात लेके निकल, जब बारात आप बाजा बजाते हुए लेके निकलते हैं, तब बाकी समय डर लगना तो वाजिब है, वैसे डराना चाहिए क्या। धृतराष्ट्र कह रहा है इन सबको मार कर कौन सा सुख है जो आपको मिल जाएगा, ये धृतराष्ट्र है। भारत ठीक है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश ठीक है, कश्मीर भी छोड़ दीजिए, सातों आसाम नॉर्थ ईस्ट भी छोड़ दीजिए, केरल तो छोड़ ही देंगे आप, भुज भुज भी छोड़ ही दीजिए, तमिलनाडु कर्नाटक छोड़ ही दीजिए ना भाई, आप स्वयं को ही छोड़ दीजिए ना भाई, आप तो बहुत भले हैं। और ये सोच रहे हैं कि हमारे इस नरेटिव में ये सब लोग आ जाएंगे भगवान के यहाँ सब भाग पी के। इसीलिए पैगंबर साहब को अल्लाह ताला ने खास इंस्ट्रक्शन दिया, नो इंटॉक्सिकेशन। ये सब दिन भर पिनक में रहते हैं तीनों, चर्च वाले भी, कम्युनिस्ट भी और ये सब। तभी वो बोले थे नाश निश्चित है, 14वीं शताब्दी में जय जय सीताराम निश्चित है। एनीवे, तब संजय को इस सारे नरेटिव को सनातनी कैसे उत्तर, सम्राट युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए। युधिष्ठिर संजय, कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, यत्र अधर्मो धर्म रूपाणी धत्ते, धर्म कृतस्नो दृश्यते अधर्म रूप, तथा पूर्णतया धर्म ही अधर्म दिखाई देने लगता है। किसको, धृतराष्ट्र जी को, जिनका तुम संदेशा लेके आए हो। और विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके उसके असली रूप को देख और समझ लेते हैं। जिनको अहिंसा के नाम पर हथियार नहीं उठाना है उन लोगों को प्रणाम, लेकिन जो विवेकवान है वो धर्म के और अधर्म के दोनों स्वरूप को सहज देख लेता है। इसी प्रकार अब खास बात सुनिए, जो विभिन्न वर्णों का अपना अपना लक्षण है वो ठीक उसी प्रकार उस वर्ण के लिए धर्म रूप है। ये श्लोक संख्या 3 को मैं चाहूंगी आदित्य जी आप कभी रामेश्वर मिश्र जी से व्याख्या करवाएं, बड़ा अद्भुत है, मेरे में तो सामर्थ्य है। ये 28वां अध्याय है, पृष्ठ संख्या 91 पर, श्लोक संख्या 3। मैं तो हिंदी में भी अर्थ बताने की औकात नहीं रखती हूँ,
तीन चार पांच छ, ये सब बस सातवां का हिंदी पढ़ दे रही हूं। क्या कह रहे हैं मेरे पूर्व, सातवां में कह रहे हैं मेरे पूर्वज लोग और उनके भी पूर्वज लोग जिस मार्ग पर चलते रहे हैं, मैं भी नास्तिक नहीं हूं तो मैं भी उसी मार्ग पर चलता हूं, उसके सिवा दूसरे मार्ग पर विश्वास नहीं करता। कुसुम लता जी जिन्होंने महाभारत बस अपनी माँ को पढ़ते देखा, माँ ने अपनी माँ को पढ़ते देखा, उसके नाते मैं स्वयं पढ़ ली, तो हम लोग के लिए इतने पर्याप्त है। पापी का नाश, धर्म का जय, और छीनी हुई चीज को पुरुषार्थ से बल से वापस ले लेना। नेहरू मर गया तो उसको हम कैसे फांसी पर टांगेंगे भाई। गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यूनैनिमसली पार्टीशन का प्रस्ताव रिजेक्ट किया था, गांधी ने जाके बदलवाया। वैसे को गद्दार कहेंगे कि नहीं, का कांग्रेसियों से पूछ रही हूं। तो किया उसने गद्दार, तो हम क्या करें? हमको तो देशभक्ति करना आता है। भाग्य से हमारे पास हमारा नरेंद्र है, नरेंद्र दामोदर दास को बिना तलवार हिलाए, हम न्यूक्लियर है, एटम बम फोड़ेंगे। आटा टमाटर के लिए हालत पतली कर दी पाकिस्तान, युद्ध की आवश्यकता नहीं है, शस्त्र नहीं चलाना है, ऐंद्रजालिक नरेटिव नहीं, मकड़ी का जाला है, झाड़ू से हिला दो। अगर ज्ञान है, विवेक है, हमने ज्ञान विवेक भरा हुआ है, वो लोग जरा नेपथ्य में है, मेन स्ट्रीम नहीं है। हमारे मोदी जी के वातावरण बनाने के कारण हम लोग नेपथ्य से निकल कर सप्तोलॉजी, संगम टॉक, जयपुर डायलॉग, राम जाति इतना चल रहा है, सब पर धनाधन बोले जा रहे हैं, इंडिया स्पीक्स डेली। तो फिर युधिष्ठिर महाराज के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और धृतराष्ट्र के लिए चेतावनी देते हैं, अभी समय बस इसी को पूरा कर। ये है 29वां अध्याय पृष्ठ संख्या 93 श्लोक संख्या 3। राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्ष में शांति बनी रहे या दुष्कर है, ये संभव नहीं है कि भारत अपनी भूमि पर पाप को राज्य का संरक्षण दे। मैं 2024 में ये कह रही हूं, ये किसका स्वर है? ये भारत का स्वर है, मेरे मुख से निकल रहा है, लाखों अनेकों मुख से निकल रहा है। 2024 के बाद, तीसरे इलेक्शन के बाद, भारत इन तीनों को संरक्षण नहीं देगा, और राजकीय संरक्षण के बिना तुम तो जल बिन मछली छटपटा के मर जाओगे। तुम्हारी औकात तो धृतराष्ट्र जैसी भी नहीं है, कर्ण के तो तुम कहां पासंग में नहीं आओगे, उसके एक सिपाही की भी नहीं है। सनातनियों के जो ये तीन दुष्ट शत्रु हैं, शत्रु बोध से नहीं काम फली आता है, शत्रु की शक्ति कहां से आती है, शक्ति का जड़ काट दिया जाए। ये तीनों स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट नर्चर्ड, स्टेट नरिश्ड, स्टेट फंडेड, स्टेट प्रोटेक्टेड तीन धाराएं हैं हिंदू समाज के पुरुषार्थ पर बाधा रखने के। जैसे आज आ गया ना सैन पित्रोदा, आज नहीं दो चार दिन पहले, भैया मोदी जी कह रहे हैं पांचवे के बाद तीसरे होंगे, दूसरे होंगे, पहले तो पता नहीं। तो वो जो कैपिटल है वो हमारी डोमेस्टिक सेविंग है, हम डोमेस्टिक सेविंग का 55% ले लेंगे। कौन ले लेगा? हम सरकार ले लेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद ले जाके स्विस बैंक में जमा कर देंगे, या छोकरियों पर घटिया दर्जे के, छोड़िए, में खर्च करेंगे। तो राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे
यह दुष्कर जान पड़ता है। पुत्र सहित धृतराष्ट्र जिस राज्य में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए कौरव पांडवों में कलह नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा? तुम हमारी चीज लेने की इच्छा करते हो तो कलह नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तुम घजवाए हिंद कह रहे हो, हम भगवाए अखंड भारत कह रहे हैं। तुम पांडु कुमार युधिष्ठिर के धर्मलोप की चर्चा या आशंका तुमको तुमने पहले किस आधार पर की है? तुम कैसे कह रहे हो कि हम असहिष्णु हो गए हैं? इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ के मैं कह रही हूं। जब कोई ये पेश संख्या 97 श्लोक संख्या 29, जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है, वक्त बोध 1991 का वर्शिप एक्ट और विधाता के कोप से पर पीड़न के लिए सेना संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का वचन। ऐ कृष्ण नीति का चर्चा करने वाले लोगों सुनो। हाँ, स्वयं देव राज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का, इनको दस्यु कहा गया है, जिनसे हमको निपटना है वो कौन है? दूसरे के धन संपत्तियां। तो धन संपत्ति था ये तो और ही विकृत और घृणित मानसिकता के हैं। स्वयं देव राज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है। लुटेरों का वध करने से राजाओं को पुण्य की प्राप्ति। कौरवों में, हमारे इन तीनों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है। 2014 के बाद था तो सदा, प्रकट हो गया है, साफ दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं पर धर्म की बात नहीं जानते, और हमको धर्म सिखाने आते हैं। बुद्ध भगवान तुम लोग को बड़े पसंद है तो काहे बौद्धों का सब नाश कर दिया जी, बामियान कहे तोड़ दिया। ये जितने कन्वर्ट हुए हैं इसमें मतलब मेजॉरिटी तो बौद्ध लोग हैं ना। चोर, श्लोक संख्या 33, चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओं में वे चोर और डाकू निंदा के पात्र होते हैं। तुम संसद में छिपकर चोरी करवाने के कानून पास करो या खुलेआम मार काट करो, दोनों ही निंदा के पात्र हैं। संजय तुम ही कहो, धृतराष्ट्र को दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र से वाया संजय। संजय तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इस प्राचीन धर्म का वर्णन कौरवों के समक्ष करना। वो कह रहे हैं, फिर पूरा सुना रहे हैं द्रौपदी का जो वस्त्र हरण करने का कुचेष्टा हुआ। उस समय सभा में बहुत से भोपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरता के कारण वे उस अन्याय का प्रतिवाद न कर सके। तो क्या ये मैं कह रही हूं, हम आज भी प्रतिवाद ना करें? भाई तुम लोग में कोई प्रॉब्लम थी? कर्ण ने याज्ञसेनी को अपमानित करके कहा था, याज्ञसेनी अब तेरे लिए तू दूसरी गति नहीं है, तू दासी बनकर दुर्योधन के महल में चल जा। इस कर्ण को तुम हीरो बनाकर मृत्युंजय लिखकर हिंदुओं को बहलाने की इंद्रजाल जो रच रहे हो, यू हवा में उड़ जाएगा यदि हम महाभारत पढ़ेंगे। जिस समय पांडव वन में जाने के लिए कृष्ण मृगजब धारण करना चाहते थे, उस समय दुशासन ने उनके लिए कितनी ही कड़वी बातें कही, ये सब के सब हिजड़े नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। ये तुम्हारा जो बड़ा बड़ा हिंदुओं के विरुद्ध अपशब्द है, इसका प्रतिवाद तुम कर रही। संजय मैं कहां तक गिनाऊं? जुए के समय
जितने और जैसे निंदनीय वचन कहे गए वो तुमको ज्ञात है, तथापि इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलूंगा। अरे ये कह रहे हैं भगवान, कहे गए शांति का बात करने, भगवान शांति का बात करने गए कि किस चीज का बात करने गए? आज 55 मिनट हो गया, वो अगर अनुमति देंगे तो मैं अगले में सुनाना चाहूंगी। वो क्या कह रहे हैं, मैं वहां जाकर शुक्र नीति के अनुसार धर्म और अर्थ से युक्त, अर्थशास्त्र नहीं, धर्म और राजनीति से युक्त ऐसी बात करूंगा जो हिंसा वृत्ति को दबाने वाली हो। डीएनए ना बतियाऊंगा कि तुम दोनों व्यासदेव के पुत्र हो, यहां तो डीएनए का झंझट नहीं। व्यासदेव से धृतराष्ट्र और पांडव हैं, अब उनके ये सब हैं, दादाजी एक के हैं, डीएनए से आगे की बात है, एक ही कुल है, एक ही परिवार है, दादाजी जी एक है। क्या धृतराष्ट्र के पूर्व धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी उन बातों पर विचार करेंगे? संजय से पूछ रहे हैं भगवान, क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होने पर मेरा सम्मान करेंगे? इतना तो ज्ञात होना चाहिए शत्रु का स्वभाव, डीएनए एक है तो स्वभाव तो ज्ञात होना चाहिए, और डीएनए खाली इन्हीं का एक है क्या भाई? डीएनए तो कम्युनिस्टों का भी एक है, सब चंगेज खान का बता रहे हैं। कौन लोग? अमेरिका वाले मंगोल से इतना डरे हुए हैं कि हम लोग को डराने के लिए कहते हैं कि तैमूरी सब मंगोल है। कौन तैमूरी? बाबर, हुमायूं, सब अपने को तैमूरी कहते हैं। वो जो चर्च वाले हैं वो इनको मंगोल कहते हैं, उनसे डरते हैं चंगेज खान से। तो मैं आज का ये बंद कर रही हूं, क्योंकि मेरा निशान इतना ही लगाई थी बोलने के लिए, आगे निशान नहीं लगाया था, पढ़ा तो था, 57 मिनट हो गया। अब आदित्य जी के जो असली महाभारत के जानकार हैं, मैं तो यूं ही थोड़ा पढ़ के बोल रही हूँ, वो इसका संहार करें। एक्चुअली क्या है कि लोग भूल जाते हैं कि संजय भी व्यासदेव के शिष्य हैं। संजय भी व्यासदेव के शिष्य हैं, तो मतलब संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र वो बुलवा रहे हैं जो धृतराष्ट्र समझ सकता है। क्योंकि धृतराष्ट्र की को पुत्र भूमि में उसकी उसका जो बुद्धि है, जबकि धृतराष्ट्र महाराज हिमसेल्फ बड़े योगी हैं, उनकी पत्नी तो शिव भक्त योगी है, और देखते भी हैं कि पांडवों ने इतना सब कुछ होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत युद्ध के बाद 18 वर्ष तक धृतराष्ट्र गांधारी को की सेवा करी, 18 वर्ष तक। और कुंती महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ उन्होंने गई वन में, उन्होंने बोला यही मेरा परिवार है, उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा। बहुत सारी चीजें दिखती है यहाँ पे, लेकिन संजय एक माध्यम है व्यासदेव का कि जो उसको समझ में आए वही बताएंगे, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को घुसेगा इसमें। के ही वचन बोल रहे हैं संजय जी, तो उनके दूत है ना, बिल्कुल, तो जो कहलवाया है वो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति को बता रहे हैं। अब इसके बाद जो निर्णय युधिष्ठिर महाराज लेते हैं वो अलग है, वो अलग है। वो अब धृतराष्ट्र अपने धर्म का पालन कर रहे हैं पुत्र मोह में, संजय अपने धर्म का पालन कर रहे हैं एज ए दूत, और बाद में युधिष्ठिर महाराज जो डिसाइड करेंगे वो उनका धर्म का पालन है, तो सबका धर्म अलग हो गया। धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्षमा नहीं, मतलब जो कोई धर्म नहीं है, नहीं मतलब जो उनका स्वधर्म है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो उनका स्वधर्म है। स्वधर्म है राजा का युवराज और राज्य का विषय है नहीं यहाँ पे, तो आम बढ़िया वाला दे दे ये विषय नहीं है। नहीं यहाँ पे जो आम मैं खाऊं कि युधिष्ठिर खाए, कि ये विषय नहीं, राज्य का विषय तो उनका नहीं, उनका पुत्र कलयुग का अवतार है दुर्योधन, तो कलयुग के अवतार का नाश करना उनका धर्म है, राजा के पद पर बैठे हैं सिंहासन। अभी वो भ्रष्ट है ना, तो अभी जो उनका जो मानसिक स्थिति है वही उनका धर्म हुआ उस समय। अभी आप नहीं जानती हूँ, बारीकी से नहीं जानती। नहीं, उनका जो स्वधर्म, जो उस तरह का जो उनकी मानसिक स्थिति है, जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो नहीं समझ आ रहा है। बट धृतराष्ट्र को बाद में
जब आप देखते हैं कि वो जो उनके पुत्र सारे मर गए सारे के सारे, उसके बाद वो अच्छा हर समय में धृतराष्ट्र ने अच्छी बातें बताई हैं दुर्योधन को, कभी कभी युद्ध मत करो, बहुत बार टोका है। और लेकिन अगर आप कुकर्म करेंगे दंड तो मिलेगा ही, लेकिन बाद में युधिष्ठिर महाराज भी उनको बाद में अपनी गलती मानते हैं और वो बोल ये भी बोलते हैं कि जितनी सेवा पांडवों ने मेरी की उतनी किसी और ने नहीं करी है, बोलते भी है वो, बताते हैं सबको। लेकिन इस समय जो उनको जो उनकी मानसिकता है उसी प्रकार से संजय बात कर रहा है जो आपने बताया। लेकिन आपने जो बताया ये है कि सारा जो नरेटिव को लेके आजकल सोशल मीडिया पर रुदन है, अरे महाराज युधिष्ठिर का वचन पढ़ लो, भगवान का वचन तक कहा जाना। ये एक मिनट में हम लोग जाला उतारते हैं ना, एक लाठी होता है और हम लोग झाड़ू बांध लेते थे, और आजकल एक बाजार में गोला सा बना हुआ लगा मिलता है, नहीं हम क्या करते हैं जो झाड़ू होता है ना उसको जगन्नाथ जी को ऑफर करते हैं, देखो जगन्नाथ जी इसको अपने भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर सबके पीछे लगाना चाहिए दो दो, उससे सब ठीक हो जाए, सबको प्रसाद मिल रहा है। महाभारत को पढ़िए, दुष्ट शत्रुओं के पास कोई दम नहीं है, सेना नहीं है, बल नहीं है, कुछ नहीं है, वो मार काट केवल तब तक करते हैं जब तक स्टेट उनको प्रश्रय देता है, अन्यथा स्टेट पुलिस बल सेना का भी जरूरत नहीं इन सबों से निपटने के लिए। ढंग से पुलिस फोर्स जाए, सफाई कर दे सारे अवैध हथियार ले जाए, बदमाशी करे पकड़ के बंद करे, इसी इंडियन पीनल कोड इसी संविधान में कुल निपट जाएगा। 1914 के बाद स्टेट ग्रेजुअली वो स्टेट के पास ज्यादा इनपुट है, ये काम छोड़ रहा है इनको स्पॉन्सरशिप का, इनके प्रोटेक्शन का। और मेरा मानना है 2024 के बाद जाला झाड़ने का झाड़ू चालू हो जाएगा, इसीलिए सब डर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़े, इसीलिए सब डर रहे हैं। काम हो जाएगा, झाड़ू फिनाइल इतने से। मैं भूल गया था फिनिट ब्रांड, अब मुझे समझ में आ गया, अब दिख रहा है मुझे मन में। किसको आप बोल रहे हैं? ठीक है, एक घंटा दो मिनट तो अब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, लाइक शेयर लाइक करिए, लाइक बहुत जरूरी है, लाइक बहुत जरूरी है, शेयर भी करना जरूरी है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजिए। बहन जी का फोन आया, हाँ अभी 2-3 दिन पहले, बहन जी मैंने अभी आपका वीडियो सुना, पता नहीं कब कहाँ मिली थी, स्वामी रामदेव जी वाला, क्या बोलती हैं आप, मैंने यहाँ भेजा यहाँ भेजा यहाँ भेजा, अब उस प्रिंसिपल है कि स्कूल की बढ़िया स्कूल, मैंने अपने स्कूल वाले उसमें व्हाट्सएप में डाला, 200 लोग कल निश्चित सुनेंगे, फिर मैंने बहनों वाले में डाला, फिर मैंने परिवार वाले में डाला, यही सब हम आप लोग से भी सुनना चाहते हैं कमेंट में। आप अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं कुसुम लता जी को तो लाइक करिए चैनल पे, तो लोगों को ज्यादा मिलेगा, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।